हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के प्रति और लाइफ में आने वाली सिचुएशंस के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हमारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ना सिर्फ हमें मदद करता है लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए, बल्कि हमारे चेहरे के ग्लो को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को निकाल रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो चेहरे का ग्लो होता है वो दिन ब दिन अपने आप ही इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। सो बिल्कुल वही आपको भी करना है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्किन में ग्लो रहना चाहिए, आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी फिट रखनी चाहिए, और आपकी पर्सनैलिटी को अगर आप मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ 10 मिनट में होने वाले एक ऐसे इंस्टेंट फेशियल के बारे में, जिसे आप, मैं, कोई भी कर सकता है, मतलब किसी भी स्किन टाइप का व्यक्ति कर सकता है। स्किन चाहे ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो या हो मैच्योर, कोई भी व्यक्ति इस फेशियल को बहुत आराम से कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं गेट टुगेदर में जाना है और आपके पास जाकर के सैलून में फेशियल कराने का टाइम नहीं है, तो ये एक क्विक रेमेडी है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में ही अवेलेबल हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दें और इसे ट्राई करके हमें फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको इस रेसिपी ने क्या कुछ बेनिफिट दिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज ये चैनल 2 मिलियन अपने मेंबर्स को पूरा कर चुका है और बहुत तेजी से अपने 3 मिलियन मेंबर्स की फैमिली को बनाने के पीछे दौड़ने लगा है। सो अब बात करते हैं एग्जैक्टली फेशियल क्या है। सो दोस्तों, देखिए क्या होता है, जैसे ही सीजन चेंज हो रहा होता है, हमारे वेदर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, और जब यह ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी स्किन पर टैनिंग, सनबर्न, फाइन लाइन्स, ब्लैकनेस और कालेपन जैसी बहुत सारी शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं। सो इस कालेपन को दूर करने के लिए, इस डलनेस को दूर करने के लिए यह इंस्टेंट फेशियल आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इसे करने के लिए हमें घर में ही अवेलेबल 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। पहला जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है टमाटर। जी हाँ दोस्तों, इसे करने के लिए हमें एक टमाटर चाहिए होगा। उसके हम आधे से 2 टुकड़े कर लेंगे, मतलब आधे से चाकू चला करके 2 टुकड़े कर देने वाले हैं। टमाटर के अंदर जो होता है वो लाइकोपीन एंजाइम होता है, और ये जो लाइकोपीन एंजाइम होता है ये बहुत ज़्यादा मदद करता है स्किन को ग्लोइंग, हेल्दी और बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस देने के लिए। सो यहाँ पर हमें आधा टमाटर लेना है। इस टमाटर के जो अंदर वाला जो हिस्सा है, मतलब एक साइड जो बाहर वाला हिस्सा रहेगा जहाँ पे छिलका रहता है, और एक साइड वो कटा हुआ आधा हिस्सा रहेगा जो अंदर होता है, उस हिस्से पर हमें यहाँ पर ऐड करनी है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर को पूरा बहुत अच्छे से आपको इसके ऊपर बुरक देना है। कॉफ़ी पाउडर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मदद करती है हमारी स्किन को पॉल्यूशन से होने वाले डैमेज को ख़त्म करने के लिए, और साथ के साथ में हमारी स्किन के अंदर जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उस ऑक्सीजन को वापस से रीगेन करने के लिए। सो यहाँ पर हम कॉफ़ी पाउडर जो डाल रहे हैं, वो आप इंस्टेंट कॉफ़ी भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे चाहिए, वो चाहिए चीनी का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, घर में जो हम चीनी या शक्कर इस्तेमाल करते हैं, उसको हमें कूट लेना है या पीस लेना है, और उसका पाउडर भी हमें कॉफ़ी के ऊपर ही बिल्कुल एक अच्छे से एक पतली लेयर की तरह लगा करके बुरक देना है। चीनी जो है उसके अंदर होता है ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि चीनी बनती है हमारे गन्ने के रस से, और ये ग्लाइकोलिक एसिड हमारी स्किन में जमे हुए जितने भी डेड सेल्स होते हैं इनको निकाल करके हमारी स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट देने में हमारी मदद करता है। सो अगर कभी भी हमें लगता है कि हमारी स्किन में डलनेस आ रही है, हमारी स्किन में डेड सेल्स जमा हो गए हैं, तो चीनी एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है जो आपको मदद करके यहाँ पर देता है।
नंबर तीन जो चीज़ दोस्तों हमें इसी टमाटर के ऊपर यूज़ करनी है वो है शहद। शहद जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि शहद एक बेहतरीन ह्यूमक्टेंट माना जाता है। ह्यूमक्टेंट मतलब होता है कि हवा के अंदर जो आपके पानी की मात्रा है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और वो आपकी स्किन को सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो शहद भी हमें यहाँ पे लगभग 10 से 20 ड्रॉप्स डाल करके अच्छे से इसी टमाटर के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। तो अभी तक आपने टमाटर का आधा हिस्सा लिया है, उसमें कॉफ़ी, उसके ऊपर चीनी का पाउडर, उसके ऊपर अपने शहद, ये एक बढ़िया सा आपका एक सैंडविच की तरह तैयार हो गया है। इसे खाना नहीं है, इसे चेहरे पर लगा करके आपको सर्कुलेटरी मूवमेंट्स में रब करना है। इसे ऐसा करने के लिए आपको लगभग 5 से 7 मिनट देने चाहिए। 5 से 7 मिनट में कभी भी आपको लगे कि नहीं अभी थोड़ा सा मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये चल नहीं रहा है, तो आप इसे पानी में डिप कर लीजिए और पानी में डिप करके इसे सर्कुलेट करना शुरू कीजिए। जब आप इसे करते जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन से जो डेड सेल्स की जो एक लेयर बनी हुई थी वो निकलती जा रही है, जिसकी वजह से अब आपकी स्किन जो है वो ब्राइट दिखाई दे रही है, आपकी स्किन जो है वो लाइट दिखाई दे रही है, आपकी स्किन में जो कालापन आ गया था, आपकी स्किन में जो डलनेस आ गई थी वो धीरे धीरे यहाँ से हटती जा रही है। सो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन 5 से 7 मिनट के बाद अभी आपको उसको वॉश नहीं करना है फेस को, टमाटर सिर्फ साइड में कर देना है, लेकिन जो आपके फेस पे लगा हुआ है कॉफ़ी, चीनी और शहद और टमाटर का जूस, वो अच्छे से आपके फेस पर मसाज करना है इन्हीं फिंगर टिप से बहुत छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए अगले 2 से 3 मिनट के लिए। अब आपका जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन था आपके लाइकोपीन एंजाइम का, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड वाली कॉफ़ी, फिर शुगर जो ग्लाइकोलिक एसिड के साथ थी, और आपका ह्यूमक्टेंट जो कि शहद के अंदर था, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के अंदर अब जा रही हैं धीरे धीरे। 5 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ दीजिए और 5 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो दीजिए और आप देखेंगे कि आपका चेहरा जो है वो एकदम चमक उठा है, और वो इसलिए चमक उठा है क्योंकि आपने आपकी स्किन की वो सारी ज़रूरतें पूरी कर दी जो कि एक्चुअली एक ग्लोइंग स्किन पाने के लिए पूरी करनी होती हैं। मतलब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले स्किन के डेड सेल्स को हटाया, लाइकोपीन एंजाइम से आपने ऑयल को कंट्रोल किया, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स को कंट्रोल किया, ग्लाइकोलिक एसिड से आपने स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट दिया, और हनी से आपने स्किन को हाइड्रेटेड कर दिया। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ ही ऑयली स्किन को या नॉर्मल स्किन को या ड्राई स्किन को या किसी भी तरह की स्किन को ग्लोइंग बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। सो दोस्तों इसे आप हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको इससे क्या कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। अब आपके कुछ सवाल, पहला सवाल आता है कि सर हमें इसे कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए। इसे आप 18 या 20 साल की एज से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे किसी भी एज ग्रुप में आप क्यों ना हो आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। नंबर दो, क्या हम इसे सेंसिटिव स्किन पर भी कर सकते हैं? बिल्कुल आप इसे सेंसिटिव स्किन पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चीनी का पाउडर जो है वो एकदम बारीक लेना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा घर्षण ना हो। नंबर तीन आता है कि सर क्या हम इसे वंस इन अ मंथ या हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं? देखिए बहुत सारी नेचुरल चीज़ों से कर रहे हैं आप इसे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसे चाहें तो रोज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी सवाल थे इस वीडियो से रिलेटेड मैंने उनके आंसर्स दे दिए हैं और आप सेटिस्फाइड होंगे। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।